नमस्कार बंधुओं, प्यारे बच्चों, मास्टर पेपी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे बीजगणित का एक छोटा सा समीकरण होता है, जिसमें लिखा है a प्लस बी का वर्ग करने पर इसका मान आता है ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्कोर। अब ये मान आया कैसे, आज हम थोड़ा इसके बारे में सीखेंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद हम इसी प्रकार आगे सूत्रों को हम आसानी से याद कैसे करेंगे वो सीखेंगे। देखो यहाँ पे a प्लस बी का वर्ग कर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं बड़ा सा वर्ग। इस वर्ग का नाम है a b c d, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान क्या है, x है। अब हम एक काम करते हैं, इस भुजा को एक बार देखिए, यहां से इस भुजा को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, इसी प्रकार इस तरफ भी कर लें। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जितनी दूरी यह है उतनी ही दूरी यह रखनी है, तो क्या होगा, बची हुई दूरी अपने आप समान आ जाएगी। अब मैं यहां से यहां तक नाम दे दूं इसको क्या, ए, और पीछे बचा हुआ हो गया बी। उसी प्रकार ये हमारा ई हो गया, ये हो गया बी, ये भी बी होगा, ये भी क्या होगा बी, और इधर ए है तो इधर भी क्या हो गया ए, इधर ए है तो ये भी ए हो गया, ये ए है तो इसका मान भी क्या हो गया ए, इसका मान ए तो इधर भी ए हो गया, ये बन गया बी और बी। अब देखो हमारे पास इस वर्ग से चार आकृतियां बनी, पहली आकृति वर्ग हो गई, दूसरी आयत, तीसरी भी आयत और चौथी क्या होगी वर्ग। अब हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा का वर्ग। अब देखो हमारे पास भुजा का मान क्या है x, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब ध्यान रखना, हमने एक्स को ए प्लस बी करके दो भागों में बांट दिया, मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा, एक्स है, तो हम एक्स की जगह लिख दे ए प्लस बी, और ऊपर स्क्वायर है वापस लगा दिया स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की जगह हमने ए प्लस बी लिख दिया। ये क्यों रखा, क्योंकि हमने x को a और b के रूप में दो भागों में विभाजित किया। अब आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा रेफरेंस है। अब हम क्या करते हैं, इस बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक और तरीका, चारों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। हम पहली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले आकृति में क्या है, चारों भुजाओं का मान क्या लिखा है, ए ए लिखा है, मतलब यह आकृति क्या होगी वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया। दूसरी आकृति की हमारे पास आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई का मान ए है और चौड़ाई का मान बी हो गया, ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस। अब हम तीसरी आकृति को क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ये भी क्या आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल वापस लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी क्या हो गया ए इंटू बी। अब लास्ट बची चौथी आकृति, चौथी आकृति हमारी क्या है, वर्गाकार, और किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब इसकी भुजा क्या है, ये भी बी है, बी बी और बी, चारों क्या बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर, ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया। अब दोनों क्या है, समान चर है, जिसको हमने जोड़ लिया, ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। और पहले हमने ज्ञात किया था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार हम किसी भी समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मान ज्ञात करना नहीं, हम याद कैसे रखेंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल फोर, इसको मैं आपको याद करने के ट्रिक्स बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।